नमस्कार एक बार फिर से सभी को। और आज हम हिंदी के अंदर जो संधि का हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। संधि की मूलभूत जानकारियां तो हमने प्राप्त कर ली है। अगला जो वीडियो इस वीडियो के अंदर आपको हम संधि के जो भेद हैं उन भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। और भेदों में सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि, और स्वर संधि में पांच भेद पढ़े थे हमने। और पांच भेद में पहला भेद जो था वो था दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि के अंदर कुल 12 नियम हैं, 12 तरीके से हम स्वरों का जो है वो मेल कर सकते हैं। अब उनमें से पहला जो तरीका है आपका वो है अ प्लस अ बराबर आ बनता है। अ प्लस अ बराबर आ बनता है। और इसका नियम मैंने आपको एक अर्थ शब्द आपको मैंने बताया था, और वो होता है एक पहले ले लेते अपन वीर प्लस अंगना। इसको अगर अपन ले तो वीर शब्द के अंदर जो र है, र के अंदर अंतिम वर्ण अ है, और अंगना का जो अंतिम प्रथम वर्ण अ है, दोनों मिलेंगे आ बनाएंगे। उसके बाद वापस यहां आते हैं तो अपन वी में कोई संधि नहीं हो रही है, आ र के अंदर से अ निकल गया तो र आधा हो गया, आ वापस इसमें जुड़ गया तो पूरा हो गया, तो हो गया वीधा। अब अंगना के अंदर से अ इस आ में चला गया यानी यहां चला गया, तो पीछे बचा है अंग की मात्रा घ और ना, वीरांगना। इस प्रकार से इसका अपन कर सकते हैं। दूसरा नियम है आपके वो है आपका अ प्लस आ बराबर आ बनता है। इसका नियम अगर अपन ले तो वो हो जाता है देव प्लस आलय, तो मैंने कर लिया था पहले। जैसे एक शब्द लेते हैं अपन सत्य प्लस आग्रह, इसको ले तो सत्य के अंदर अंतिम वर्ण अ है, आग्रह में प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलके आ बनाएंगे। अब स में कोई संधि नहीं हो रही है, त में कोई संधि नहीं हो रही है, य में से अ निकल गया तो य भी आधा रह गया है। अब आ वापस इस या में मिला लेंगे तो या बन जाएगा, ये आ इस आ के अंदर चला गया तो पीछे ग्रह शब्द बचा है, तो हो जाएगा आपके सत्या ग्रह, ये शब्द बन गया। तीसरा इसका जो नियम आता है आपके वो आता है आ प्लस अ बराबर आ बनता है। इसका नियम भी अगर अपन ले तो यह जाएगा आपके देश देश में दिशा, दिशा प्लस अंतर, ठीक है। आप इसको ले अपन तो इस दिशा शब्द का जो प्रथम वर्ण अंतिम स्वर है वो आ है, और अंतर का प्रथम वर्ण अ है, दोनों मिलके आ बनाएंगे। अब दी के अंदर कोई संधि नहीं हो रही है तो दी ऐसे कैसे लिख देंगे, शा के अंदर संधि हो रही है, आ निकल गया तो स आधा रह गया, अब इस सा के अंदर ये आ जोड़ देंगे तो वापस सा बन जाएगा, अब अंतर में से अ निकल गया तो आधा न और त रह जाएगा, दिशांतर शब्द बन जाएगा। इसका अगर अपन चौथी बात करें जिसमें बनता है आ प्लस आ बराबर आ बनता है, इस नियम को पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। ऐसे कैसे, जैसे अपन ने एक शब्द ले लिया धार, वो है देव प्लस आलय, नहीं इसमें अपन शब्द लेंगे महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महा के अंदर आए और आत्मा के अंदर भी आ है, दोनों मिलेंगे आ बना लेंगे, तो म में तो कोई संधि नहीं हो रही है, हा के अंदर से आ निकल गया तो पीछे क्या बचा आधा,
अब इस आ को किस में जोड़ना है, ह में, तो क्या हो जाएगा हा। इधर आत्मा शब्द में से आ निकल गया तो पीछे आधा त और मां बन गया, महात्मा बन गया। ये तो चार नियम इसके आ गए आपके। अब इसके बाद में जो अगला चार नियम आते हैं वो आते हैं ई के साथ, वो आते हैं आपके ई के साथ बनेंगे, यानी ई प्लस ई मिलकर के, छोटा ई मिलकर के छोटा ई के साथ मिले क्या बनेगा, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई बनता है, यानी छोटा ई और छोटा ई मिलकर के बड़ा ई के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब इस नियम के अंतर्गत अपन पहला नियम देखे अपन, तो मैंने आपको एक पढ़ाया था पिछले वीडियो में अति प्लस क्यू, ऐसे कैसे एक शब्द लिख लेते हैं अपन कपि प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा कपि में से अपन ई निकाल देंगे और इंद्र में से भी ई निकाल देंगे, फिर दोनों को अपन मिलाएंगे तो बड़ा ई बना देंगे। अब ये जो आपका बड़ा ई बन रहा है, अब क में कोई संधि नहीं हो रही है, पी में से ई निकल गया तो प आधा रह गया, इस आधे प में बड़ा ई जोड़ देंगे तो ये बड़ा ई की मात्रा बन जाएगी। इंद्र में से ई निकल गया तो पीछे ये बच गया, शब्द बन गया आपके कपिंद्र। उसके बाद इसका ये पहला नियम है और दूसरा नियम इसका क्या कहलाएगा, बड़ा ई प्लस छोटा ई, या छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई बनाता है। इसका उदाहरण ले अपन, तो सब पहला है जैसे गिरी प्लस ईश, गिरी के अंदर से ई निकालेंगे और ईश में से भी ई निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो बड़ा ई बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, गी में तो कोई संधि नहीं हो रही, री में संधि हो रही है, आधा रह जाएगा पीछे, अब आधे रह में ये री जोड़ देंगे तो बड़ा री हो जाएगा, ई में से ई निकल गया, इस में से तो सब पीछे बता सी सा, तो सब बन गया आपका गिरीश। इसका तीसरा जो नियम आता है संधि का वो आता है आपके बड़ा ई प्लस छोटा ई, दोनों मिलकर के शब्द बनाते हैं बड़ा ई। इसके अंदर भी अगर शब्द ले अपन तो आपके हैं सची प्लस इंद्र लिख देते हैं अपन, सची प्लस इंद्र, सची के अंदर बड़ा ई है प्लस इंद्र में छोटा ई है, दोनों मिलकर के बड़ा ई बना लेंगे। अब हमें यहां क्या करना है, स में कोई संधि नहीं हो रही है तो स लिख देंगे अपन, ऐसे कैसे स में कोई संधि नहीं है, ची के अंदर संधि है ई निकल गया तो च आधा रह गया, इस आधे च में ये ई मिला देंगे जो बना है तो ये पूरी हो जाएगा ची, पीछे ई यहां निकल गया तो पीछे ये शब्द बच गया, अब शब्द बन गया सचिंद्र। अब इसका चौथा जो नियम आता है वो है ई प्लस ई बराबर बड़ा ई बनता है। ये भी एक नियम है, इस नियम के अंदर अगर अपन पढ़े हैं तो जैसे शब्द बनता है योगी प्लस ईश्वर बनता है, ऐसे कैसे शब्द बनता है नारी प्लस उत्सव, एक शब्द भी और बनता है इसके अंदर जिसको अपन कहते हैं रजनी प्लस ईश, तो कोई भी शब्द ले अपन रजनी प्लस ईश, तो रजनी शब्द में बड़ा ई है प्लस ईश में भी बड़ा ई है, दोनों मिलकर के बड़ा ई बनाएंगे। अब यहां लेते हैं र, ज में कोई संधि नहीं है तो लिख दिया, नी में से ई निकल गया तो नी आधा बच गया, आधे नी में बड़ा ई मिल गया तो बड़ा ई बन गया, ईश के अंदर से ई निकल गया तो पीछे स बच गया, सब बन गया रजनीश। ये आपके हो गए ई से संबंधित नियम। अब इसी प्रकार ई के नियमों के बाद जो आगे नियम आते हैं वो आते हैं आपके ऊ के नियम, क्योंकि दीर्घ संधि में अ आ ई ई और ऊ ऊ का आपस में समान अवस्था में मेल होता है। अगर पहला नियम इसका ले अपन तो ऊ प्लस ऊ बराबर
बड़ा उ बनता है। इस नियम को अगर अपन पढ़े तो आपके एक नियम मैंने कराया था और गुरु प्लस उपदेश इसको मिलाए अपन तो गुरु के अंदर छोटा उ है, उपदेश में भी छोटा उ है, दोनों मिले तो क्या बन गया, बड़ा उ मिल गया। अब यहां आते तो अपन गु शब्द ऐसे कैसे लिखते हैं, र में से उ निकल गया तो आधा र बच गया, आधे र के अंदर उ मिला लिया तो वापस बड़ा उ बन गया। अब उपदेश में से उ निकल गया था तो पीछे बचा आपके पदेश, तो शब्द बन गया गुरुपदेश। ये इसका पहला नियम। दूसरा नियम जो आपका वो आता है उ प्लस बड़ा उ, ये भी क्या बनाएंगे, बड़ा उ बनाएंगे, यानी छोटा उ और बड़ा उ मिलकर के भी बड़ा उ बनाएंगे। ऐसे कैसे शब्द है, जैसे लघु प्लस उर्मी, तो इसमें देखते हैं लघु शब्द में छोटा उ है प्लस उर्मी शब्द में बड़ा उ है, दोनों मिलेंगे बड़ा उ बना लेंगे। अब लघु के अंदर ल में कोई संधि नहीं हो रही है, घु शब्द में संधि हो रही है, उ निकल गया आधा घ बच गया, इस आधे घ में बड़ा उ मिला लेंगे तो उ की मात्रा लग जाएगी, उ निकल गया यहां से तो पीछे बचेगा रमी, शब्द बन जाएगा लघुर्मी। इसका तीसरा नियम अगर अपन पढ़े तो वो आता है आपके बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ बनाता है ये नियम, यानी बड़ा उ के साथ छोटे उ को मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा। जैसे अपन कह सकते हैं कि वधु प्लस उपकार शब्द बनता है, वधु प्लस उपकार, तो इसमें भी अपन देखते हैं वधु शब्द के अंदर जो है बड़ा उ है प्लस उपकार में छोटा उ है, दोनों मिलेंगे तो बड़ा उ बना लेंगे। अब व में कोई संधि नहीं हो रही है, धू के अंदर से उ निकल गया तो ध आपका आधा बच गया, आधे ध में पूरा उ मिला लेंगे तो उ की मात्रा लग जाएगी, इसमें से उ निकल गया तो पीछे बचेगा पकार, यानी कि वधुपकार शब्द बन जाएगा। ये इसका हो गया तीसरा नियम। फिर नियम नंबर चौथा आता है आपके उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बनता है, ये इसका चौथा नियम है। अब इसमें भी अगर आपको करना है तो जैसे आ जाएगा आपके वधु प्लस उर्मी, शब्द कहीं बनते हैं प्लस वधु प्लस उर्मी, तो वधु के अंदर बड़ा उ है प्लस उर्मी के अंदर बड़ा उ है, मिलकर के दोनों ही बड़ा उ बनाएंगे। व में कोई संधि नहीं हो रही है, धू के अंदर से उ निकल गया आधा रह गया, अब जो आगे उर्मी शब्द में से उ है इसमें ये बड़ा उ मिला देंगे, उर्मी में उ निकल गया तो पीछे रमी बन गया, वधुर मेल अपन शब्द बन गया। ये आपका नंबर चार हो गया। ये चार नियम है उ के, ये आपकी कंप्लीट संधि हो जाती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के ये चार तीन नियम है। अब जो आपकी है इसका मैं एक कॉमन सूत्र लिखता हूं दीर्घ संधि का, इस सूत्र को याद कर लेना है आपको, अ या आ, ई या ई, ऊ या ऊ, प्लस अ आ ई ई ऊ और ऊ बराबर बनेगा आपके आ ई और ऊ, ये इस दीर्घ संधि का सूत्र है। इस सूत्र से आप परिभाषा भी याद कर सकते हैं और नियम भी आराम से याद कर सकते हैं, यानी अ और आ के साथ इस संधि को आराम से, अगर इसको अपन नंबर दें एक दो तीन प्लस एक दो और तीन प्लस एक दो तीन, आराम से कर सकते हैं अपन।
यानी इस सूत्र को आप समझ सकते हैं कि एक प्लस एक बराबर एक, इसका मतलब क्या है, एक नंबर वाले को एक नंबर वाले के साथ मिलाएंगे तो एक नंबर वर्ण बनेगा। ऐसे कैसे, दूसरी चीज आप कर सकते हैं दो प्लस दो बराबर दो, ऐसे कैसे, तीसरा कर सकते हैं आप तीन प्लस तीन बराबर तीन, यानी कि तीन नंबर के जोड़े को तीन नंबर के जोड़े से मिलाएंगे तो तीन नंबर का वर्ण बनेगा। इस तरह से आप इस संधि को याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो आपकी पहली है जिसको अपन कहते हैं दीर्घ संधि, इसका दूसरा नंबर आता है आपका जिसमें कहते हैं अपन गुण संधि। इसके नाम से पता चलता है वर्णों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। अब गुणात्मक परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो शब्द आता है आपका अ, इसका सूत्र बनेगा, अपन पहले बना लेते हैं सूत्र के अंदर अ या आ प्लस इसके साथ आपके आ जाएगा ई और ऊ, और आ के साथ अगर मिलता है ई या ऊ या ऊ या ऊ, और तीसरे नंबर पे आता है री, इनका मेल होता है। अब इनके मिलने से क्या बनेगा कि अगर अ और आ के साथ ई और ई मिलेगा तो बन जाएगा आपके ए। दूसरा अगर अ और अ के साथ ऊ मिलेगा तो इसका बन जाएगा आपके ओ, और री के साथ मिलेगा तो बन जाएगा आर। ये आपके गुण संधि के नियम है। अब तीन प्रकार के हैं, समझ लेते वापस, अ और आ के साथ ई मिलेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अ और आ के साथ ऊ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा ओ बनेगा, अगर अ और आ के साथ री मिलेगा तो क्या बनेगा अर बनेगा। ये नियम है आपके, ठीक है, इनको मिलने से बनता है। अब इसी को अपन निश्चित सूत्र के तौर पर समझ सकते हैं। पहला जो है आपका कि अ के साथ अगर ई मिले तो क्या बनेगा ए बन जाएगा, अ के साथ अगर ई मिलता है तो क्या बनता है ए बन जाता है। कैसे बनता है, नर प्लस इंद्र, ठीक है, नर के अंदर अंतिम वर्ण जो है वो है आपका अ, इसका अंतिम वर्ण अ है र का, इंद्र का जो प्रथम वर्ण है वो है ई, अ और ई दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे ए बनाएंगे। अब नर में से न के अंदर से तो कोई संधि नहीं हो रही, र में से अ निकल गया तो र हो गया आधा। अब इस आधे र के अंदर हम किसको मिलाएंगे ए को मिला देंगे, आधे र में अगर हम ए को मिलाएंगे तो आधे र से ए मिलते ही ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा रे। अब इस ई कहां चला गया, इस ए में चला गया तो पीछे केवल बचा है ये शब्द बन गया आपका नरेंद्र। कैसे बना, र के अंदर से अ निकला, इंद्र में से ई निकला, दोनों मिले ए बना दिया। ए कहां चला गया, इस र के ऊपर चला गया, ई कहां चला गया, इस ए के अंदर चला गया, शब्द बन गया नरेंद्र। ये पहला नियम है। इसका दूसरा नियम आता है जिसको कहते हैं अपन आ प्लस ई, आ के साथ ई मिले, या पहले से मिला लो ई के साथ अ के साथ बड़ा ई तो भी क्या बनेगा ए ही बनेगा, छोटा ए ही बनेगा। ऐसे कैसे, जैसे शब्द आता है आपके नर प्लस ईश, अब इसमें नर में वापस वही आपका अ है, ईश में बड़ा ई है, दोनों मिलेंगे और मिलने से क्या बनेगा कि ए बनेगा, छोटा ए बनेगा। तो न में कोई संधि नहीं हो रही है, र में से अ निकल गया, आधा र बच गया, आधे र में ए मिला लिया तो
तो वापस बन गया ए, मात्रा लगी नरे। अब ई या ए में चला गया तो पीछे श बचा है, सब बन गया नरेश। ये आपका इसका दूसरा नियम आ जाता है गुण संधि का। अब गुण संधि का नियम नंबर अपन लेते हैं तीसरा, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा जो अभी हमने लिया है आ और छोटी और बड़ी। तीसरे नंबर पे अगर अपन ले कि आ के साथ अगर आप ई मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा ए ही बनेगा। आ के साथ ई मिलेगा तो भी ए बनेगा। कैसे? शब्द बनता है रमा प्लस इंद्र। रमा के अंदर जो है अंतिम स्वर वो आपका आ है, इंद्र में पहला स्वर ई है, दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे ए। अब अपन यहां आ जाते हैं, र में कोई संधि नहीं हो रही है, मां में संधि हो रही है, आ निकल गया तो पीछे म आधा बचा हुआ है, आधे म के अंदर ए मिला लेंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी। इंद्र में से ई ए में चला गया तो पीछे आपका ये बच गया, शब्द बन गया रमेंद्र। इस प्रकार से रमा ए प्लस इंद्र से रमेंद्र हो गया। अब शब्द अगर अपन चौथा प्रकार करें तो चौथे प्रकार के अंदर आता है आपके जो पहला है अ के साथ अगर ऊ मिले तो क्या बनेगा, अ और ऊ मिलके दोनों ही ओ बना लेंगे। ये इसका अगला नियम है। अब अ के साथ ऊ मिलने से ओ बनता है। अगर पहला नियम अगर ले अपन तो वीर प्लस उचित, इसमें वीर शब्द का अंतिम स्वर जो वो है अ, उचित शब्द का प्रथम स्वर जो है वो है ऊ, दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे क्या ओ। अब अगर वापस शब्द में आते हैं, वी में कोई संधि नहीं हो रही है, वी ऐसे कैसे लिखा, र में संधि हो रही है, र में से अ निकल गया तो आधा र बच गया पीछे, आधे र के अंदर ओ जोड़ दिया हमने तो शब्द क्या बन गया रो। अब उचित में से ऊ ओ में चला गया, पीछे बचा है चित, तो शब्द बन गया वीरोचित। ये आपका संधि का इसका चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम जो है आपका कि आ के साथ अगर आ के साथ ऊ मिले तो भी क्या बनता है, आपका ओ ही बनेगा। ऐसे ही जैसे महा प्लस उदय, महा के अंदर अंतिम स्वर आ है, उदय में प्रथम स्वर ऊ है, दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे ओ। अब म में कोई संधि नहीं हो रही है, ह में से आ निकल गया तो ह आधा बच गया, आधे ह में ओ मिला लिया तो हो बन गया, उदय में से ऊ निकल गया तो पीछे दय हो गया, शब्द बन गया महोदय। ये आपका इसका अगला नियम है। अब गुण संधि के अगले नियम की तरफ अपन चले तो आ और ऊ आ गया। अब अगर अ के साथ बड़ा हुआ जाए, अ के साथ तो बड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, तो इसका अगला नियम है अ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनता है, ओ ही बनता है। और इसमें जैसे आता है आपके सूर्य प्लस ऊर्जा। अब इसमें सूर्य के अंतिम जो अंतिम स्वर है वो अ है, और ऊर्जा के अंदर जो प्रथम स्वर है वो ऊ है, दोनों मिलके ओ बनाएंगे। शू के अंदर कोई संधि नहीं हो रही है और र और य में हो रही है तो यहां पर य आधा बन जाएगा, आधे य के अंदर ओ मिल जाएगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी, पीछे क्या बचा रजा सूर्योर्जा, ये शब्द बन जाता है। अगर इसका अगला नियम लें तो आ के साथ अगर बड़ा ओ मिलेगा तो भी आपका ओ ही बनेगा। आ के साथ बड़ा ओ मिलने से भी ओ ही बनेगा। जैसे दया प्लस उर्मी, दया प्लस
उर्मी। तो दया के अंदर पहला अंतिम वर्ण आय, उर्मी में बड़ा उ है, दोनों मिलेंगे ओ बनाएंगे, तो अपन द में कोई संधि नहीं हो रही, या में से अ निकल गया, आधा हो गया, ओ मात्रा मिला ली तो यो बन गया, पीछे क्या बचा अर्मी दयोर्मी, ये शब्द हो गया। इस तरह से ये नियम हो गए। अगला नियम इसका जो आपका कह रहा है कि री के साथ में अब अ और आ के साथ अगर जो है आपका री मिल जाए तो इसका अर बनता है, री का अर हो जाएगा। इसका एक पहला उदाहरण देखते हैं अपन, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव के अंदर अ है, ऋषि के अंदर री है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे अर बनाएंगे। अब अगर देव के अंदर शब्द में देखें तो कोई बात संधि नहीं हो रही है, व में से अ निकल गया तो वह आधा हो गया, आधे व में अर का अ मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, अब र आधा रहेगा तो आधा र लिख देंगे, आगे जो री इस अर में चला गया तो पीछे है श शी, अब ये र इस शी के ऊपर चला जाएगा, दोनों तरह से लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, तो सब बन गया देव ऋषि। इस तरह से जो गुण संधि के नियम है वो आपके पूरे आ जाते हैं। गुण संधि का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र है अ आ ई ई उ के बाद क्रमश री के बाद क्रमशः अगर विपरीत स्वर मिल जाए कोई तो उसका ये बन जाएगा आपके, क्या बनेगा अ और आ के बाद ई ई उ और री मिलने से ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा, ये इसके पूरे नियम है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ करके उसमें से दीर्घ संधि और गुण संधि के 10-10 जो इसके उदाहरण है वो निकाल करके उसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिख करके फिर आप होमवर्क करके भेजेंगे। थैंक यू।